जो हमारा जनरेशन प्रोसेस है वो जो हिमाचल प्रदेश में 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है उस पर लागू किया गया। अब कितना असर पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा वो आगे सचिव लेवल पर बैठक में बात आ गया। और जहाँ तक कानूनी प्रक्रिया की बात है कि कितना असर पड़ता है और कितना नहीं पड़ता है कि क्या मामले हैं वो तो सब संवाद के जरिए ही हल किए जा सकते हैं। तो हमारा अभी पहली संवाद हुआ, कुछ चीज़ें इन्होंने हमें ध्यान में लाई कि ऐसा हो सकता है तो हमने इनको कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हमारी एक सहमति बनी कि सचिव स्तर पर भी हमारी बैठकें जारी रहेगी। दूसरा ये तो एक मुद्दा था। उसके बाद किशाऊ का मुद्दा काफ़ी लंबे समय से अटका पड़ा था जिसमें हरियाणा भी हमारा पार्टनर है और उत्तराखंड भी पार्टनर है। उसमें कुछ हिमाचल की तरफ से आपत्तियाँ थी, उसका समाधान की बात की गई है। तीसरा कुछ और मुद्दे हमारे छोटी छोटी बाउंड्री से रिलेटेड थे, उसके संबंधित बात की गई है। हमारा एक बद्दी से रोड जाता है शीतला जिसमें हरियाणा का पार्ट है, उसको जोड़ने की बात की गई है। इन सब मुद्दों पर एक कंक्रीट चर्चा हुई है। और जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आज बातचीत से पता लगा, कुछ आगे बातचीत से करेंगे। इनको कुछ और डाउट है वो हम क्लियर करेंगे, जो इनके डाउट है जो इनको शंका है वो हमारे सेक्रेटरी लेवल पर आके करेंगे। और मेरा यह मानना है कि जो हमारी सीमा के अंदर जो प्रोजेक्ट लगे है उसका इफेक्ट उन कंपनियों पर पड़ सकता है जिन कंपनियों से ये बिजली खरीदते हैं। तो उसका ध्यान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी सहमति है कि हम सेक्रेटरी लेवल पर इसकी बैठक करके आगे हमने क्या कोर्स करना है वो हम संवाद